हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनने वाली है, और वो भी मकर संक्रांति स्पेशल। वैसे तो ये वाली रेसिपी आप जब चाहो बना के खा सकते हो, और ख़ास तौर पे विंटर के टाइम पे जो है ना, ये वाली रेसिपी मतलब तिल की लड्डू जो होती है फ़ायदेमंद भी होती है और खानी भी चाहिए, तो अक्सर लोग बना के खाते हैं। बट हम लोगों के इधर मकर संक्रांति में ये वाली तिल की लड्डू एकदम बनती ही बनती है, तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 250 ग्राम तिल, और इसे एक मिनट के लिए चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, मतलब इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और एकदम देखिए एकदम मैश हो रहा है। तो अब हो गया, ये एक मिनट में अच्छे से भुना जाता है। इसके बाद हम निकाल करके इसे अलग कर लेंगे, और सेम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे, मतलब हाफ कप के आसपास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसके साथ जितना मैंने तिल लिया है उतना ही गुड़ ले रही हूँ। दोनों का जो है ना, आप मेजर करो या वेट करके डालो, इक्वल होना चाहिए। तो ये 250 ग्राम गुड़ है, तो इसको डालेंगे। और इसके साथ एक बड़ा चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ देसी घी। तो अब इन तीनों को चलाते हुए मेल्ट करना है, तो अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 से 3 मिनट में ये इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा एकदम अच्छा सा। और मेल्ट होने के बाद हम इसे सबसे पहले चेक करेंगे इसका जो चाशनी होता है ना, बहुत लोग इसे तार के हिसाब से उसका करते हैं, मतलब बोलते हैं जो अब ये चाशनी जो है ना परफेक्ट बन चुका है इस तरीके से हाथ में लेकर के चिपचिपा जैसा। हम लोग इसे पानी में डाल के चेक करते हैं जो चाशनी परफेक्ट बनी है कि नहीं। तो इस तरीके से इसमें डालेंगे, मतलब पानी में डालेंगे, और यहाँ पर देखिए पूरा शेप बन जाएगा, मतलब अच्छे से यहाँ पर देखिए इस तरीके से शेप बन, मतलब चाशनी मेरी जो है ना अब परफेक्ट पक चुकी है। तो अब गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे, और यहाँ पे हाथ को ज़्यादा चलाना होता है, फास्ट चलाना होता है। तो इसके अंदर डालेंगे ये फटाफट भुना हुआ तिल, और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है और हाथ को तेज़ी से चलाना होता है यहाँ पे। तो ये वाला जो स्टेप है ना, मतलब प्रोसेस बहुत ही फास्ट करना पड़ता है। गांव में तो 3-4 जन रहते हैं, ये सब जब बनता है ना तो 3-4 जन मिलके बनाते हैं, फटाफट बन जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे, और हम इसको एक पेपर के ऊपर, मतलब इको बेक पेपर के ऊपर डालेंगे। अगर आपके घर में इको बेक पेपर नहीं है तो आप कोई भी बर्तन में तेल लगा करके और उसके ऊपर इसको इस तरीके से फैला देना है। तो सेम ही काम करता है दोनों, मैं यहाँ पे इको बेक पेपर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से इसे गर्म में ही, मतलब जब ये गर्म रहे उस टाइम ही इसे इस तरीके से फैलाना है। जितना मोटा पतला रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो अच्छे से इस तरीके से फैला देंगे, एक अच्छा सा पतला सा शेप दे देंगे। और इसके बाद थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसमें कट लगा लेंगे। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कट लगा सकते हो। तो इस तरीके से मेरी यमी और टेस्टी सी चिक्की बन के तैयार है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।